السلام عليكم. अच्छा एसटीपी हमारा थोड़ा सा बाकी है, आज वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ लाइटिंग। अच्छा अगर कंप्लीट हो गया तो एक लैब आपकी रह गई थी कि आईओएस को किस तरीके से अपग्रेड करते हैं, ठीक है, तो वो मैं आज आपको वो लैब भी करवा दूंगा, छोटी सी लैब है थ्रू एफटीपी सर्वर। अच्छा स्पैनिश ट्री समझ आ गया आप लोगों के? अच्छी तरह बिल्कुल। अच्छा स्पैनिश ट्री के जो है वो टाइमर्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट, ठीक है, तो टाइमर्स क्या होते हैं? तीन तरह के टाइमर्स मैंने बताए थे आप लोगों को, क्या बताए थे, क्या बताया था, कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने? स्पैन एंट्री कहाँ तक पढ़ा था हम लोगों ने? वर्जन तक। वर्जन ऑफ एसटीपी ये पढ़ लिया था, प्रायोरिटी चेंज करने का भी बता दिया था मैंने आप लोगों को, सही है, स्टेट्स पढ़ ली थी हम लोगों ने। अच्छा एसटीपी की फोर्स की स्टेट आपकी कितनी होती है? चार होती है, ठीक है। As STP converts the switching topology, a switch port will progress through a series of states. तो सबसे पहले जो आपकी port की state होती है वो क्या होती है? Blocking, सही है? सबसे पहले port क्या होगी? Blocking state में होगी। उसके बाद listening, फिर learning और सबसे last में क्या होती है? Forwarding, ठीक है? तो ये चार states होती है जिसपे क्या कर रहा होता है? STP convert हो रहा होता है। और इन चार states में ports की क्या हो रहा होता है? ये हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें प्रोसेस हो चल रहा होता है। तो ब्लॉकिंग जो स्टेज होती है इनिशियली या स्विच पोर्ट विल स्टार्ट इन ब्लॉकिंग, ठीक है, जब भी आप किसी भी स्विच को ऑन करोगे तो पोर्ट जो है वो ब्लॉकिंग से स्टार्ट होगी, ठीक है, और ब्लॉकिंग पोर्ट जो होती है विल नॉट फॉरवर्ड फ्रेम्स और लर्न मैक एड्रेस, ठीक है। तो ब्लॉकिंग पोर्ट पे क्या होगा? फ्रेम फॉरवर्ड भी नहीं होंगे और मैक एड्रेस लर्निंग भी नहीं हो रही होती, जो कि स्विच का क्या है बेसिक काम ही यही होता है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा होता है फिर? अब ब्लॉकिंग पोर्ट विल स्टिल लिसन फॉर BPDUs फ्रॉम अदर स्विचेस, ठीक है, ये सिर्फ क्या कर सकती है? लिसन कर सकती है BPDUs को। BPDUs क्या होते हैं? STP के जो है कन्वर्जेंस के लिए जो ब्रिज प्रोटोकॉल यूनिट जो छोटा सा पैकेट होता है वो सेंड हो रहा होता है, तो वो सिर्फ वो लिसन कर रही होती है ब्लॉकिंग स्टेज में, ताकि वो क्या करेगी उस स्टेज में ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है रूट ब्रिज इलेक्शन, ठीक है, और आइडेंटिफाई द पोर्ट्स रूट पोर्ट्स डेजिग्नेटेड पोर्ट, ये सारा किस पे चल रहा होता है उस दौरान प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। ब्लॉकिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो क्या है? लिसनिंग। लिसनिंग पे पोर्ट क्या होती है? अ पोर्ट विल देन ट्रांजिशन फ्रॉम ए ब्लॉकिंग टू लिसनिंग, उसके बाद जाएगी ब्लॉकिंग से लिसनिंग में, और लिसनिंग में क्या है? द स्विच मस्ट ब्लीव दैट द पोर्ट विल नॉट बी शट डाउन टू एलिमिनेट अ लूप, इन अदर वर्ड्स द पोर्ट मे बिकम अ रूट और डेजिग्नेटेड पोर्ट, ठीक है। A listening port will not forward frames or learn MAC address. इस स्टेज पे भी क्या होता है? Frames forwarding नहीं करती, स्विच नहीं करता इस पोर्ट से, और ना ही क्या करता है? MAC address learn करता है। लेकिन ये क्या करता क्या है? A listening port will send and listen, ठीक है? Blocking में क्या कर रही थी? सिर्फ listen कर रही थी। लेकिन इसमें क्या होगा? BPDU send भी कर सकता है और listen भी कर सकता है इस पोर्ट पे, सही है? और इसमें participation क्या हो रही होती है? Root bridge और root ports की, ठीक है। इसमें जो पार्टिसिपेशन होती है वो किस पे हो रही होती है? रूट ब्रिज सिलेक्ट होगा, रूट पोर्ट्स और डेजिग्नेटेड पोर्ट की पार्टिसिपेशन हो रही होती है लिसनिंग स्टेट के ऊपर। इफ ए लिसनिंग पोर्ट इज नॉट इलेक्टेड एज अ रूट और डेजिग्नेटेड पोर्ट, ठीक है, अगर लिसनिंग पोर्ट जो है वो रूट और डेजिग्नेटेड में इलेक्शन में
फेल हो गई, सही है, नहीं इरेक्ट किया गया, तो वो किस में चली जाएगी, दोबारा से ब्लॉकिंग में। क्लियर है? पहले किस में थी पोर्ट? ब्लॉकिंग में। उसके बाद किस में आई? लिसनिंग में। और लिसनिंग में अगर वो पोर्ट रूट पोर्ट या डेजिग्नेटेड पोर्ट इलेक्ट नहीं हुई है तो वो वापस किस में चली जाएगी? बैक टू ब्लॉकिंग। ठीक है। उसके बाद स्टेज आती है लर्निंग की। लर्निंग में क्या हो रहा होता है? इफ अ लर्निंग पोर्ट इज इलेक्टेड एज अ रूट बिट और डेजिग्नेटेड पोर्ट, इट विल ट्रांजिशन टू द लर्निंग स्टेट। ठीक है, ये लर्निंग स्टेट में आ जाएगी रूट और डेजिग्नेटेड सेलेक्ट होने के बाद। और इसमें क्या होगा? पोर्ट मस्ट वेट अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम रेफर्ड टू एज अ फॉरवर्ड डिले बिफोर ट्रांजिशन फ्रॉम ए लिसनिंग टू लर्निंग स्टेट। अ लर्निंग पोर्ट विल कंटिन्यू टू सेंड एंड लिसन फॉर बीपीटीयू। ठीक है, इस स्टेज में भी क्या होता है? बीपीटीयू सेंड और रिसीव कर सकती है ये। और यहाँ पे सिर्फ एक काम और ऐड होता है कि ये मैक एड्रेस जो है वो लर्निंग शुरू कर देती है पोर्ट। अ लर्निंग पोर्ट विल बिगिन टू ऐड मैक एड्रेस टू द कैन टेबल, सही है? लेकिन इसमें भी जो है आपके फ्रेम्स जो है डेटा फॉरवर्ड नहीं होता लर्निंग में, सिर्फ क्या कर रही होती है? मैक एड्रेस लर्न करती है और बीपीटीयू को सेंड और रिसीव कर रही होती है। ठीक है। और जो लास्ट हमारी है फॉरवर्डिंग स्टेट, इसमें जो है फुल फंक्शनली ये स्टेज होती है और इसमें पोर्ट जो है वो सारे काम कर रही होती है, बीपीडीयू को सेंड रिसीव भी करती है और बीपीडीयू जो है आपके मैक एड्रेस लर्निंग भी होती है इसमें, और इसके अलावा आपके फ्रेम्स फॉरवर्डिंग भी शुरू हो जाती है। ठीक है। फाइनली अ लर्निंग पोर्ट वो ट्रांजिशन टू ए फॉरवर्डिंग स्टेट। इसमें क्या हो रहा होता है? ये सारी चीजें हो रही होती है जो मैंने बताई कि बीपीडीयू सेंड रिसीव भी होते हैं, मैक एड्रेस लर्निंग भी होती है और फ्रेम फॉरवर्डिंग भी होती है। ठीक है। root and designated port will eventually transition to the forwarding state. तो इस तरीके से चार states होती हैं इसके अंदर STP के अंदर, जिसके बाद क्या होती है आपकी converge हो जाता है पूरा सा switch। जब देखा होगा ports के साथ connect करते हैं PC को तो वो क्या होती है? Orange होती है पहले light, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो किस में जाती है? सबसे पहले किस में जाएगी? Blocking से listening में, उसके बाद learning में, फिर forwarding। Clear है? इसके अभी मैं lab करवाता हूँ। ठीक है। अच्छा, और लास्ट में एक पोर्ट होती है आपकी डिसेबल पोर्ट। वो कौन सी पोर्ट होगी? जिसपे जाके आप शटडाउन की कमांड चला देते हो, सही है? जिस पोर्ट पे जाके आप शटडाउन की कमांड चला देते हो वो कौन सी पोर्ट हो जाती है? डिसेबल पोर्ट। उसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता, ना उसमें बीपीडीयू सेंड रिसीव होते हैं और ना उसके अंदर फ्रेम्स और मैक एड्रेस लर्निंग होगी और ना फ्रेम फॉरवर्ड होगा, सही है? और बल्कि वो पोर्ट जो है आपकी एसटीपी कन्वर्जेंस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करती। ठीक है। वो पोर्ट क्या होती है? डिसेबल पोर्ट। वैसे भी तो ऐसा नहीं होती। ठीक है। ब्लॉकिंग में क्या होता है? ब्लॉकिंग जो पोर्ट होती है इसमें 20 सेकंड का जो है वो टाइम लेता है स्विच। ठीक है। 20 सेकंड का टाइम होता है ये स्विच लेता है। इसके बाद जब लिसनिंग स्टेज होती है तो इसमें मजीद जो है 15 सेकंड तक स्विच वेट करता है आपका। ठीक है। ये लिख लेना, फॉरवर्ड डिले टाइमर आपके दो है, एक लिसनिंग और एक लर्निंग, और दोनों में जो है वो स्विच 15-15 सेकंड का क्या करता है? वेट करता है। ठीक है। और जो आपकी मैक्स है जो टाइम होता है ब्लॉकिंग का वो कितना होता है? 20 सेकंड का। ये मैं बताता हूं अभी कि इसमें क्या मैक्स एज में क्या होता है, सही है? अभी सिर्फ ये याद करो कि फॉरवर्डिंग में कितने होते हैं, 15-15 सेकंड का डिले आता है, टोटल 30 सेकंड का ये, और मैक्स एज टाइमर जो होता है जो कि ब्लॉकिंग स्टेज में होता है वहां पर 20 सेकंड का डिले आता है, और आपका 2 सेकंड का जो है वो हेलो टाइमर बीपीडीयू आफ्टर 2 सेकंड जो है वो फॉरवर्ड हो रहा होता है। तो टोटल तकरीबन आपका 52 सेकंड का डिले होता है एसटीपी के अंदर कन्वर्ट जब तक आपकी टोपोलॉजी नहीं होती। ठीक है। ये एक और स्लाइड है जिसमें ये बताया है कि पोर्ट की स्टेट ब्लॉकिंग होगी तो बीपीडीयू क्या होगा? सिर्फ रिसीव होगा। ठीक है। और मैक एड्रेस नो अपडेट टेबल और आपके फ्रेम भी फॉरवर्ड नहीं होंगे। ठीक है। और जब लिसनिंग में होगा तो आपके रिसीव और सेंड हो जाएंगे बीपीडीयू, लेकिन आपका मैक एड्रेस यहाँ भी अपडेट नहीं होगा और आपके फ्रेम भी फॉरवर्ड नहीं होंगे। लर्निंग में क्या होगा? लर्निंग में सिर्फ ये होगा कि सेंड रिसीव तो होगा लेकिन आपका मैक एड्रेस टेबल जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा? अपडेट। ठीक है। लेकिन अभी भी जो है वो फ्रेम्स आपके फॉरवर्ड नहीं होंगे। फ्रेम फॉरवर्ड का मतलब क्या है? डेटा, सही, डेटा की कम्युनिकेशन। दो अगर पीसी आपके कनेक्ट हुए हैं तो वापस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, सही, उनको वेट करना पड़ेगा कहां पे? फॉरवर्डिंग, जब तक आपकी पोर्ट की स्टेट नहीं आती। ठीक है।
यहाँ पे आपके बीपी ड्यू सेंड रिसीव भी होंगे, कैम टेबल भी अपडेट होगा और यहाँ पे आपका फ्रेम भी फॉरवर्ड होना शुरू हो जाएगी। और डिसेबल जो पोर्ट है इसमें तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, हर चीज नो, क्लियर है। टाइमर का जी, टाइमर में अभी दूसरी स्लाइड मैंने बनाई है, सही है, उसको मैं बताता हूँ दोबारा से क्लियर। सिर्फ अभी ये देख लो कि आपकी जो लिसनिंग और लर्निंग की जो बोर्ड की स्टेट होती है ना उसमें डिले आता है 15 सेकंड का दोनों में, तो 30 सेकंड ये हो गया, बाकी आपका होता है एक मैक्स एज टाइमर, सही है, ये मैक्स एज टाइमर 20 सेकंड। ये इसका मतलब ये है कि स्विच वेट करता है कि बीपीडीयू हर 2 सेकंड के बाद आ रहा है ना, तो वो 20 सेकंड तक अगर उसको बीपीडीयू रिसीव ना हो तो वो 20 सेकंड तक वेट करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, वो अज्यूम करता है कि वो जो है वो डेड हो गया या वहां पे कोई इशू हुआ है, तो फिर वो अपने पास से क्या करता है उसकी एंट्री को रिमूव कर देता है, ठीक है, तो ये मैक्स एज टाइमर कहलाता है। अच्छा मैं जो हूँ अभी आप लोगों को वो दिखाता हूँ, पोर्ट की स्टेट्स हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है, कि पोर्ट की स्टेट्स कैसे चेंज हो रही होती है। ठीक है, ये मैंने दो स्विच लिए हैं इसको, और यहां पे मैं इसको चलाता हूं अभी स्पैनिंग ट्री, ठीक है, अभी इसको मैं यहां से कनेक्ट कर रहा हूं, बल्कि 3 स्विच ले लो, ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, स्पैनिंग ट्री चलाया, अब देखना गौर से ना, इनेबल शो स्पैनिंग ट्री, ठीक है, तो यहाँ पे अभी स्टेटस क्या आ रहा है, लिसनिंग, ठीक है, ब्लॉक नहीं दिखाया इसने, अभी क्या दिखा रहा है, लिसनिंग पे स्टेटस क्या है, लिसनिंग, अब ये किसपे कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, लिसनिंग के बाद लर्निंग में, लर्निंग के बाद इसको किसमें आना चाहिए, थोड़ी देर के बाद फॉरवर्डिंग में, अब ये किसमें आ गया, फॉरवर्डिंग के अंदर आ गया, ठीक है, तो ये किस तरह आएगा, ये स्टेप बाय स्टेप पोर्ट की स्टेट क्या चेंज हो रही है, ठीक है, सबसे पहले ब्लॉकिंग था, ब्लॉकिंग यहाँ पे दिखा नहीं पैकेट ट्रेसर में, उसके बाद क्या आया, लिसनिंग, फिर लर्निंग, फिर लास्ट में क्या है, फॉरवर्डिंग, और जब ये फॉरवर्डिंग में आएगा तो इसकी पोर्ट सारी क्या हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, उसको वापस से F02 को निकाल के मैंने क्या किया, F04 पे लगा दिया, ठीक है, तो ये वापस से मैं इसको चेक करता हूँ, तो ये अभी लिस्टिंग में है, ठीक है, स्टेट्स, इसके बाद थोड़ी देर के बाद ये लर्निंग में आएगा, F04, अब ये लर्निंग में आ गया, ठीक है, और ये 15 सेकंड के बाद इसमें चला जाएगा फॉरवर्डिंग, ठीक है, फॉरवर्डिंग में आ गया, ठीक है, चेक कर लिया आप लोगों ने, तो ये स्टेट्स आप याद रखना और इसके स्टेप्स भी याद रखना, एग्जाम में आता है क्वेश्चन, एसटीपी के जो 4 स्टेट्स हैं, पोर्ट की, ब्लॉकिंग, फिर लिसनिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग, और यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट देखो ये फॉरवर्ड डिले टाइमर क्या आ रहा है, 15 सेकंड, जो कि 2 स्टेट का है फॉरवर्ड डिले, एक लिसनिंग और एक लर्निंग, तो ये दोनों का 15 सेकंड है। मैक्स एज टाइमर कितना है आपका, 20 सेकंड, और हेलो टाइमर कितना है, 2 सेकंड का, हर 2 सेकंड के बाद ये बीपीडीयू सेंड करता है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, इन टाइमर को आप चेंज कर सकते हैं। आगे चले,
ये टोटल 52 हो गया ना, जो डिले टोटल डिले आ रहा है ना, देखो 20 ये हो गया, 15 सेकंड के टोटल डिले ये हो गया लर्निंग और लिसनिंग में, 30 प्लस 20 कितना हो गया 50, और 2 सेकंड का हर जो सेकंड हो गया बाद भेज रहा है हेलो टाइमर, तो टोटल डिले कितना हो गया आपका 52 सेकंड। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि टोटल डिले एसटीपी का कन्वर्ट से कितना होता है, तो आप ये बताएंगे कि टोटल 52 सेकंड लेगा, ठीक है। हेलो टाइम क्या होता है? हां हेलो टाइम, हेलो टाइमर बीपीडीयू सेंड, हर 2 सेकंड के बाद क्या होगा बीपीडीयू सेंड होगा, ठीक है, जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है वो हर 2 सेकंड के बाद सेंड हो रहा होता है। हां 52 सेकंड टोटल डिले कितना आएगा आपके नेटवर्क को कन्वर्ट होने का, अगर एसटीपी चल रहा है वो कितना है 52 सेकंड। तो वो किस तरह बना, ब्लॉकिंग के अंदर क्या था, मैच साइज 20 सेकंड का था, ठीक है। उसके बाद फॉरवर्ड डिले टाइमर आपके 2 हैं, एक लर्निंग एक लिसनिंग, हर एक में क्या था 15 सेकंड ले रहा था वो, तो ये टोटल कितना हो गया 30 सेकंड, 30 प्लस 20 कितना हो गया 50, और 2 सेकंड का आपका क्या है बीपीडीयू का हेलो टाइमर जो जा रहा है, वो भी तो डिले काउंट करोगे ना, तो टोटल कितना हो गया 52 सेकंड। ठीक है आगे चलें, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हेलो टाइमर्स जो उसके टाइमर्स बताए मैंने, स्विचेस रनिंग एसटीपी एक्सचेंज बीपीडीयू टू बिल्ड एंड कन्वर्ट द टोपोलॉजी डेटाबेस, देयर आर 3 टाइमर दैट आर क्रूशियल टू द एसटीपी प्रोसेस, हेलो टाइमर, पावर डिले टाइमर और मैक्स साइज टाइमर, ठीक है। टाइमर वैल्यू कैन बी एडजस्टेड, इसको हम चेंज कर सकते हैं, हाउएवर दिस इज रेयरली नेसेसरी, जरूरत नहीं पड़ती एंड कैन नेगेटिवली इंपैक्ट एसटीपी परफॉर्मेंस, अगर आप इसको चेंज करेंगे तो नेगेटिवली आपकी एसटीपी की परफॉर्मेंस हो सकती है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि अगर आप हेलो टाइमर चेंज कर दें फॉर एग्जांपल 1 सेकंड कर दें, ठीक है, तो आपके अगर 10 स्विच लगे हुए तो हर 1 सेकंड के बाद जब वो स्विच जाएगा, या आपने 3 सेकंड कर दिया तो लास्ट स्विच में जब पहुंचेगा वो, तो 30 सेकंड का तो डिले आ चुका होगा, समझ रहे हैं। तो वो हो सकता है कि उस वक्त जो है वो आपका बीपीडीयू के अंदर लूप आ जाए, ठीक है, क्यों, क्योंकि 15 और 15 52 सेकंड, पहला स्विच क्या होगा कन्वर्ट हो जाएगा 52 सेकंड में, और दूसरे जो लास्ट स्विच था उसको 30 सेकंड के बाद बीपीडीयू मिल रहा है, तो उसकी कन्वर्जेंस प्रोसेस और डिले हो जाएगी, ठीक है। इसलिए हम इसको बाय डिफॉल्ट को चेंज नहीं करते जब तक कि आप जो है पूरी टोपोलॉजी, आपने पूरा नेटवर्क को डिजाइन ना किया हो और इसी हिसाब से आप जो है वो फॉरवर्ड डिले टाइमर और वो सारी चीजें सेट ना करें, ठीक है। तो ये रिकमेंडेशन है, ठीक है। टाइमर मस्ट बी चेंज ऑन रूट ब्रिज, ठीक है। तो टाइमर जो चेंज करते हैं आप वो कहां पे चेंज करते हैं, रूट ब्रिज पे, द रूट ब्रिज विल प्रोपेगेट द न्यू टाइमर वैल्यूज टू ऑल स्विचेस यूजिंग बीपीडीयू, ठीक है। तो रूट ब्रिज क्या करता है, उसको प्रोपेगेट कर देता है तमाम स्विचेस पे। अगर आप नॉन रूट किसी स्विच को चेंज करेंगे तो बाकी स्विच क्या करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से टाइमर कहां पे चेंज होता है, रूट ब्रिज पे। हेलो टाइमर डिटरमाइंस हाउ ऑफन स्विचेस सेंड बीपीडीयू, बाय डिफॉल्ट बीपीडीयू आर सेंड एवरी 2 सेकंड, ठीक है। फॉरवर्ड डिले टाइमर मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या होता है, द फॉरवर्ड डिले टाइमर डिटरमाइंस हाउ लॉन्ग अ पोर्ट मस्ट बी स्पेंट बोथ लर्निंग एंड लिसनिंग, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग दिस डिले पीरियड इंश्योर दैट एसटीपी विल हैव इनफ टाइम टू डिटेक्ट एंड एलिमिनेट लूप्स, इतना डिले इस वजह से पहले रखा गया था कि उसके पास कन्वर्जेंस के लिए काफी टाइम हो और उसको पता लग जाए कि बाकी कोई लूप है या नहीं, बड़ा आराम से इंतजार करता था वो 15 सेकंड तक, और 15 सेकंड इसलिए इंतजार करता था कि इसका जो बाय डिफॉल्ट डायमीटर होता है, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इसमें मैक्सिमम आप 7 स्विचेस लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें एसटीपी के अंदर मैक्सिमम कितने स्विचेस लगा सकते हैं, 7 स्विचेस, और ये डिफॉल्ट भी है। तो हर बीपीडीयू हर कितने सेकंड के बाद जा रहा है, 2 सेकंड के बाद, तो जब वो 7 स्विच पे मिलेगा तो उसको कितना टाइम हो चुका होगा, 14 सेकंड। इस वजह से ये फॉरवर्ड डिले टाइमर क्या रखा था उन लोगों ने, 15 सेकंड, ताकि लास्ट स्विच तक जो है वो जब तक बीपीडीयू पहुंचे
तो जब तक वो वेट कर रहा हो बीपीडीयू का, ठीक है, ये ना हो कि वो अपने ट्रांजिशन को आगे फॉरवर्ड कर दे और फॉरवर्ड डिले में चला जाए, ठीक है। बाय डिफॉल्ट द फॉरवर्ड डिले इज 15 सेकंड बिकॉज़ अ पोर्ट मस्ट ट्रांजिशन थ्रू फॉरवर्ड डिले, द टोटल डिले टाइम इज 30 सेकंड। तो 2 जो है हमारे पास फॉरवर्ड डिले से, एक हमारे पास लर्निंग और लिसनिंग, तो ये टोटल हमारे पास कितना टाइम हो जाता है 30 सेकंड का, ठीक है। और मैक्स हेल्थ मैंने बता दिया कि वो हर 2 सेकंड के बाद क्या करेगा। द मैक्स हेल्थ टाइमर इंडिकेट्स हाउ लॉन्ग अ स्विच विल रिटेन बीपीडीयू इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ नेबर स्विच बिफोर डिस्कार्डिंग इट। वी नो दैट बीपीडीयूज आर सेंड एवरी 2 सेकंड, ठीक है, हर 2 सेकंड के बाद बीपीडीयू जा रहा होता है। इफ अ स्विच फेल्स टू रिसीव अ बीपीडीयू फ्रॉम अ नेबर, अगर उसको किसी नेबर से स्विच नहीं मिलता तो वो क्या करेगा, मैक्स हेल्थ पीरियड तक वेट करेगा। इट विल अज्यूम देयर वाज अ चेंज इन द स्विचिंग टोपोलॉजी, उसके बाद वो अज्यूम करता है कि कोई ना कोई चेंज आ गया है, या तो स्विच वो डेड हो गया है या कोई लिंक मेरा कोई डाउन हो गया, ठीक है। तो वो फिर क्या करेगा, फिर वो टोपोलॉजी चेंज नोटिफिकेशन वगैरह सेंड करना शुरू कर देता है, ठीक है। हाँ, ये डायमीटर मैंने बताया ना, द डायमीटर इज द लेंथ ऑफ द टोपोलॉजी मेजर्ड इन द नंबर ऑफ स्विच इंक्लूडिंग द रूट ब्रिज। तो आपका जो स्विच है वो मैक्सिमम आप कितने लगा सकते हैं, 7, और दिस इज ऑल्सो मैक्सिमम इंक्लूडिंग क्या, रूट ब्रिज। 7 का मतलब ये है कि देखो इस तरीके से आप 7 लगा सकते हैं। अभी मैंने किस तरह लगाया है, सीरियल में, ठीक है, 1 by 1। इस तरीके से आप कितने लगा सकते हैं, 1 से लेके 7 तक लगा सकते, लेकिन इंक्लूडिंग रूट ब्रिज। लेकिन अगर आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। मैक्सिमम डायमीटर क्या होगा कि यहाँ से बीपीडीयू जब ट्रेवल करेगा तो वो कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम 7 से 6 तक जा सकता है, ठीक है। और हर उस पर डिले कितना आ रहा है, 2 सेकंड का आ रहा है, तो टोटल जब वो लास्ट स्विच पे मिलेगा तो 14 सेकंड का डिले आ चुका होगा, ठीक है। और वो वही क्या है, आपका फॉरवर्ड डिले टाइमर है 15 सेकंड का, ताकि वो 7 स्विच को जो है वो बीपीडीयू रिसीव हो जाए और लूप क्रिएट ना हो उससे पहले, क्लियर है। हाँ ना, पूरी टोपोलॉजी कन्वर्ज हो जाएगी जब भी जो है वो आपका कन्वर्ज होगा ना नेटवर्क, जब तक एंड स्विच 7 स्विच तक को जो है वो बीपीडीयू रिसीव ना हो जाए, वरना अगर वो फॉरवर्डिंग पे आ गया तो पता नहीं लगेगा लूप कहां से आया। सही है, लर्निंग और लिसनिंग में क्या हो रहा था, बीपीडीयू से ही लर्न करता है ना, इस वजह से। सर, अगर हम स्विच 7 से ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ाएंगे, हां बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन वो ऑलरेडी आपका जो डिले है 52 सेकंड के बाद वो कन्वर्ज हो रहा है, तो फिर आप उसको बढ़ाएंगे तो वो फिर और स्लो हो जाएगा आपका नेटवर्क, और उसकी क्या क्या वजह होती है वो भी अभी हम देखते हैं। सही है, डिले जो है बहुत ज्यादा होता है 52 सेकंड का, और वो भी है कि कोई भी चेंजेस आपके नेटवर्क में आ रही है तो वो फिर दोबारा से वो क्या करेगा, पोर्ट को दोबारा से लर्निंग लिसनिंग में लेके जा रहा है ना, जिस तरह मैंने स्विच की पोर्ट निकाली और दूसरी पोर्ट में लगाया तो वो वापस उसने फिर क्या किया, 30 सेकंड लर्निंग लिसनिंग फिर फॉरवर्डिंग में आया और 2 सेकंड का बीपीडी, 32 सेकंड तो वो लाजमी कम से कम ले ही रहा था वो, तो अगर आप उसको डिले टाइमर बढ़ा देंगे तो फिर और वो टाइम लेगा, ठीक है। लेकिन फिर उसके और तरीके होते हैं, 7 स्विचेस के बाद फिर आपके पास और तरीके होते हैं, आप स्विच स्टैकेबल स्विच यूज कर सकते हैं। सही, उसमें फिर एक ही स्विच के अंदर आप पोर्ट स्टैकेबल स्विच में ये होता है कि रैक होते हैं मुख्तलिफ, सही, उसमें क्या करते हैं आप पोर्ट्स ऐड करते जाते हैं कार्ड, तो वो एक ही स्विच कंसिडर होता है लॉजिकली, सही है, और फिजिकली उसमें क्या होते हैं पोर्ट्स ऐड होती चली जाती है, तो वो इस तरीके से आप क्या करते हैं अपने टोपोलॉजी को जो है वो कम करते चले जाते हैं। सही है, तो आप उसको 7 स्विच तक नहीं लेके जाते कभी भी, ठीक है। हाँ, वो कंसिडर एक ही स्विच होगा।